रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन इससे पहले ही इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी का दिन तय किया गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर नासिक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां मंदिर से सफाई अभियान की शुरुआत की, इसका आह्वान किया, तो वहीं इसी राह पर अब तमाम जो बीजेपी के बड़े मंत्री हैं वो चल पड़े हैं। इससे पहले लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां मंदिर में सफाई अभियान किया था, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके तरफ से भी लखनऊ में हनुमान मंदिर में जहां एक और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया गया। वहीं अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के भव्य हनुमान मंदिर में, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुँचे अनुराग ठाकुर। उन्होंने यहाँ पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया, सबसे पहले मंदिर में सफाई की और उसके बाद भगवान हनुमान के दर्शन के लिए मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे और इसके साथ ही जय श्री राम के नारों से ये पूरा मंदिर गुंजायमान रहा। तो लगातार यही कि सफाई अभियान में तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। हम इस स्वच्छता अभियान की बात करें तो बीजेपी इसको पूरे पुरजोर से आगे बढ़ा रही है। 18 जनवरी को जो भगवान श्री राम की जो बाल्यावस्था की मूर्ति है वो भी वहां पर गर्भगृह में रखी जाएगी और 22 जनवरी को पूरा अयोध्या, पूरा देश एक तरीके से जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रहेगा, क्योंकि ऐतिहासिक ये दिन माना जा रहा है। तो अनुराग ठाकुर आज कनॉट प्लेस के इस भव्य हनुमान मंदिर में पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और इसके साथ ही हनुमान जी के आके हनुमान जी के दर्शन भी किए। बातचीत के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, क्या कुछ रहा आज का पूरा कार्य? देखिए, अनुराग ठाकुर जी आए थे, उन्होंने साफ सफाई और हनुमान जी के दर्शन किए। लोगों में बहुत उत्साह है 22 तारीख को लेके, इसलिए जो भी लोग अपने प्रभु से जो अयोध्या नहीं जा रहे वो इसे हनुमान जी महाराज के चरणों में आ रहे हैं और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके प्रभु का मंदिर आज विराजमान होने जा रहा है, इस बारे लोगों में बहुत आस्था है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इतने सालों से हम ये सपना देख रहे थे कि अयोध्या में भगवान राम जी का जो है भव्य मंदिर बनेगा, किस नज़र से देखते हैं आप, कैसी अनुभूति आपका? देखिए, हमारे हिंदुओं में तो बहुत खुशी की बात है, एक दिवाली और ये दूसरी 22 तारीख को दिवाली बन रही है, हमारे प्रति बहुत खुशता है इनमें, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी इतने साल से वनवास बास रहे थे, आज ये मोदी जी के कारण आज मंदिर का विस्तार हो रहा है, बहुत इसमें खुशी हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, इसके साथ ही कुछ और भक्त भी हैं, उनसे भी हम यहाँ बात करेंगे कि वो किस नज़र से देखते हैं भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप, 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने स्थान में आ रहे हैं, मंदिर का निर्माण किस नज़र से देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, जो इतने सालों से रुका हुआ काम था पूरा हो रहा है। मोदी जी की राज में रामलला जी को अपने घर में वापसी हो रही है, बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो किस नज़र से देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं जी, हमारा देश अखंड होने वाला है और हमारा आधिपत्य होने वाला है उस पर, और प्रभु की कृपा रही, देखो कितने के चमत्कार हो रहे हैं। ये कुछ अच्छा हो रहा है तभी तो हो रहा है ना जी, प्रभु की कृपा है तभी हो रहा है। सब प्रभु आए हुए हैं, गरुड़ जी आए हुए हैं, बंदर वहाँ आए हुए हैं, भालू आए हुए हैं, जो प्रभु की सेना में लड़ रहे थे वो सब आए हुए हैं, तो ये प्रभु की कृपा है ना जी, अनुकंपा है उनका, और ये देश प्रभु राम के बिना कैसे होएगा जी। और जब हनुमान जी साथ हैं तो फिर क्या बात है। राममय हो रहा है पूरा देश, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। मंदिरों में किस तरीके का उत्साह है भक्तों में वो जानने की कोशिश करेंगे, खासकर जो हमारा यूथ है वो इस पूरी जो प्रोग्राम है या फिर कहें कि जो पूरा कार्यक्रम है उसको किस नज़र से देखता है, क्या कुछ सोचता है? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट सुलझ गया एंड अब फाइनली राम मंदिर बन चुका है, राम जी विराज रहे हैं अयोध्या में। तो आप ये क्या मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जब से बने हैं ये उनका असर है कि वो जिस तरीके से बदलाव ला रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये तो बनना ही था, ये तो होना ही था, या इलेक्शन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? मैम, ये सब मिक्स्ड है, एक तो टाइमिंग्स का भी मैटर करता है, ऊपर से फिर गवर्नमेंट का भी रोल है, यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, सबका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की वजह से ही आज राम मंदिर बन पाया है। सिंगल हैंडेडली किसी को क्रेडिट देना मुझे सही नहीं लगता, इसमें सबका ही पूरा सही हो गया। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौर, किला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।
हैं।